हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंडर टॉयज एट द रेट। और आज मेरे पास है इतनी सारी डोरेमोन स्टेशनरी का कलेक्शन। और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ इतने सारे डिफरेंट टाइप के डोरेमोन पेंसिल बॉक्सेस। इनके अलावा इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी ये कुछ डोरेमोन पेंसिल्स और पेन और एक कम्प्लीट डोरेमोन स्टेशनरी सेट। तो गाइस, वीडियो को बिना स्किप किए बने रहना मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोज के लिए जल्दी से अभी नीचे दिए गए बेल आइकन को कर लेना प्रेस और कर लेना चैनल को सब्सक्राइब। तो आप जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देख लेते हैं कि इस डोरेमोन स्टेशनरी कलेक्शन में हमारे पास क्या क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं ये वाला डोरेमोन पेंसिल बॉक्स। और गाइज, देखने में ये काफी कलरफुल और क्यूट है और बटन ऑपरेटेड भी है, तो जल्दी से इसे अनबॉक्स करके देख लेते हैं। और जब तक मैं इसको अनबॉक्स कर रही हूँ तब तक आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए अपना फेवरेट कार्टून करेक्टर। और लो जी, ये हो गया है अनबॉक्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप इस तरीके से एक पुश बटन दिया हुआ है ताकि आप इसको इजिली ओपन कर सके। मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ ये बॉक्स। और इस पेंसिल बॉक्स में आपको मिलता है ये मूवेबल पेंसिल एंड पेन होल्डर, जिसकी वजह से आपके पेन और पेंसिल इधर उधर मूव नहीं करते हैं पेंसिल बॉक्स में। गाइज, इस पेंसिल बॉक्स का MRP 100 रुपीज है और ये पेंसिल बॉक्स पूरी तरह से प्लास्टिक बॉडी में आपको मिलता है। अब चलिए जल्दी से कर देते हैं इसे बंद और देख लेते हैं कि हमारे पास हमारे कलेक्शन में नेक्स्ट आइटम क्या है। तो नेक्स्ट मेरे पास है ये डोरेमोन वाला मैकेनिकल पेंसिल बॉक्स और ये कुछ इस तरह के डोरेमोन वाले प्रिंट में आपको मिलता है। गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डबल साइडेड पेंसिल बॉक्स है और कुछ इस तरीके के इनबिल्ट शार्पनर आपको इसमें दिए गए हैं। तो चलिए जल्दी से इसे अनबॉक्स कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या फीचर्स दी गई हैं। गाइज, इसका जो लिड है ना वो मैग्नेटिक है ताकि इजिली आप इस बॉक्स को ओपन और क्लोज कर सकें। और ये इस पेंसिल बॉक्स का फर्स्ट कंपार्टमेंट है जिसमें बच्चों के लिए ये टेबल दिए गए हैं। तो चलिए अब इस ज्योमेट्री बॉक्स को फ्लिप करके देख लेते हैं और इसके बैक साइड में आप देख सकते हैं आपको ये इनबिल्ट शार्पनर दिए गए हैं जिनसे आप एक जंबो पेंसिल और एक नॉर्मल पेंसिल को शार्प कर सकते हैं। और यहाँ इनके ऊपर दिया हुआ है ये ट्रांसपेरेंट लेड जहाँ से आप पेंसिल डस्ट को इजिली रिमूव कर सकते हैं। और गाइज, ये है इसका सेकेंड कम्पार्टमेंट जिसमें आपको मिलता है एक मिनी कैलकुलेटर। गाइज, इस वाले कम्पार्टमेंट में भी आपको कुछ इस तरह से पेन और पेंसिल होल्डर दिया हुआ है। चलिए अब इस कैलकुलेटर को चेक कर लेते हैं। और गाइज, ये बिल्कुल ना नॉर्मल कैलकुलेटर की तरह काम कर रहा है, बट क्योंकि ये इतना छोटा है ना तो काफी क्यूट लग रहा है। और गाइज, देखिए ये कुछ इस तरह से ना बाहर की साइड भी फ्लिप हो जाता है, तो आप कह सकते हैं कि ये एक हिडन कैलकुलेटर है। तो गाइज, आप मुझे अभी कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये डोरेमोन का कैलकुलेटर वाला मैकेनिकल पेंसिल बॉक्स कैसा लगा। गाइज, नेक्स्ट है ये डोरेमोन वाला मल्टी कलर पेन जिसमें 6 डिफरेंट कलर्स के रिफिल्स दिए हुए हैं। तो चलिए जल्दी से इन्हें टेस्ट करके देखते हैं। तो गाइज, चलने में तो ये नॉर्मल पेन की ही तरह है और देख लीजिए किस तरीके से ये फाइन राइटिंग हमको दे रहे हैं। चलिए कुछ एक दो कलर्स और भी ट्राई करके देख लेते हैं। और क्वालिटी वाइज काफी अच्छा पेन मुझे ये लगा। मैंने इसे मार्केट से 25 रुपीज में परचेज किया है, तो कॉस्ट वाइज भी अच्छा है ये पेन। तो गाइज, अब देख लेते हैं ये डोरेमोन वाले पेंसिल्स जो देखने में काफी क्यूट हैं। और मेरे पास ये दो कलर्स में है, एक ये येलो वाली और एक है ब्लू वाली। गाइज, ये मुझे मार्केट से 10 रुपीज ईच मिली है। और गाइज, इस वाली पेंसिल के बारे में तो मैं आपको क्या ही बता दूं, क्योंकि सभी ने अपने बचपन में ये वाली पेंसिल जरूर यूज करके देखी होगी, तो सभी को मालूम होगा कि ये वाली पेंसिल जो है ना वो शार्प नहीं होती है, इनके लिड्स को सिर्फ बैक साइड से चेंज किया जाता है। अब मैं आपको अनबॉक्स करके दिखा रही हूँ ये बस वाला डोरेमोन पेंसिल बॉक्स। इसके बैक साइड में आपको मिलता है ये एक व्हाइट बोर्ड जिस पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। अब जल्दी से इसे अनबॉक्स करके इसके अंदर जो भी एसेसरीज है उन्हें भी देख लेते हैं क्या क्या इसमें अवेलेबल है। बट उससे पहले गाइज, देखिए इसमें ना ये व्हील दिए हुए हैं और मुझे तो बड़ा ही मजा आ रहा था इन्हें ना चलाने में, तो पता नहीं बच्चों को तो कितना ही मजा आने वाला है इसे यूज करने में। तो गाइज, मैं इसे कर रही हूँ ओपन और आप देख सकते हैं कि इसमें आपको मिलेंगी कुछ इतनी सारी स्कूल सप्लाईज। गाइज, ये पेंसिल बॉक्स मेटल में है और इसकी स्कूल सप्लाईज देखने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे इसका फर्स्ट कम्पार्टमेंट। तो आप देख सकते हैं कि इसके फर्स्ट कम्पार्टमेंट में दिए गए हैं ये बच्चों के लिए टेबल्स। अब देखेंगे कि इसमें कौन कौन से स्कूल सप्लाईज हमें दी हुई है। तो इसमें आपको मिलता है ये एक शार्पनर, नॉर्मल शार्पनर है गाइस। नेक्स्ट आपको इसमें मिलेगी ये डोरेमोन इरेजर, एक ये डोरेमोन वाली वुडन ग्रेफाइट पेंसिल। नेक्स्ट आपको इस पेंसिल बॉक्स में मिलता है एक ये व्हाइट बोर्ड मार्कर जिसके कैप के टॉप पर आपको ये डस्टर भी मिल जाएगा। तो चलिए अब इस मार्कर को भी टेस्ट करके देख लेते हैं। तो गाइस, क्वालिटी वाइज काफी अच्छा मार्कर इसमें आपको मिलता है। अब डस्टर से इसे करके देख लेते हैं रब। और गाइस, काफी अच्छी क्वालिटी का है ये डस्टर भी। और गाइज, इसमें जो ये स्केल दिया हुआ है ना ये थोड़ा सा डिफरेंट है नॉर्मल स्केल से, जैसे कि इसमें एक स्ट्रेट लाइन के अलावा ये कर्व लाइन के लिए भी दिया हुआ है साथ में। अब इस पेंसिल बॉक्स में देख लेते हैं इसका सेकंड कंपार्टमेंट जो काफी ज्यादा स्पेशियस है, काफी ज्यादा स्टेशनरी आप इसमें रख सकते हो। गाइज, ये पेंसिल बॉक्स मैंने मार्केट से परचेज किया है 150 रुपीज में। तो चलिए अब जल्दी से इसे इसके डेस्टिनेशन पर पहुंचा देते हैं। और नेक्स्ट मेरे पास है ये डोरेमोन वाला पाउच, इसे भी अनबॉक्स करके देख लेंगे। और ये आपको कुछ इस तरीके के वॉशेबल स्टफ में मिलता है गाइज। कलर एंड लुक वाइज ये काफी प्रिटी है।
इसके बॉर्डर पे आप देख सकते हैं ये इस तरीके से स्ट्राइप वाला डिजाइन दे रखा है जो कि इस पाउच को काफी अच्छा लुक दे रहा है। गाइज इसमें आपको मिलती हैं 2 जिपर पॉकेट्स और इसका ये सेकंड वाला पॉकेट काफी ज्यादा स्पेशियस है। आप देख सकते हैं गाइज ये जो पाउच है ना ये वाटरप्रूफ पाउच है और इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। और अब फाइनली मैं अनबॉक्स करने वाली हूँ ये डोरेमोन का स्टेशनरी सेट जो अपने आप में एक कंप्लीट स्टेशनरी पैकेज है गाइज। और बच्चों को गिफ्ट करने के लिए ना गाइज ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो बहुत देर से गाइज आप वेट कर रहे होंगे कि कब मैं इस स्टेशनरी किट को अनबॉक्स करूंगी, तो फाइनली चलिए जल्दी से कर लेते हैं इस स्टेशनरी किट को अनबॉक्स। और यहाँ पर इसको कैरी करने के लिए दिया हुआ है ये हैंडल। गाइज इस किट में आपको देखने को मिलेंगे स्टेशनरी के साथ में कुछ बच्चों के लिए एक्टिविटी आइटम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ ये डोरेमोन वाली ड्रॉइंग बुक। गाइज ये जितनी ज्यादा अच्छी फ्रंट से लग रही है ना उतनी अच्छी बैक साइड से भी लग रही है और इसके पेजेस की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। नेक्स्ट आपको इसमें मिलेगा ये एक शार्पनर, एक डोरेमोन इरेजर। नेक्स्ट आपको इसमें मिलेंगे ये 2 डोरेमोन वाली वुडन ग्रेफाइट पेंसिल्स, एक ही डोरेमोन वाला स्केल। और गाइज ये क्या है ये मुझे नहीं पता है तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। और गाइज ये दिए हुए हैं डोरेमोन वाले क्रेयॉन्स, तो इनकी क्वालिटी जल्दी से देख लेते हैं कैसी है। और भाई मुझे तो ये ना बिल्कुल नॉर्मल क्रेयॉन्स की तरह ही दिख रहे हैं, कुछ मुझे इसमें डिफरेंस दिख नहीं रहा है। बस इनके ऊपर जो ये प्रिंट दिया हुआ है ये सिर्फ डोरेमोन वाला है। और गाइज इस नेक्स्ट वाले पैकेट का भी लिटरली मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इसमें क्या मिलने वाला है, तो जल्दी से इसे भी खोलकर देख लेते हैं कि इसमें क्या मिलेगा। तो गाइज इसमें देखिए आप दिए हुए हैं बच्चों के लिए ये लीगोज और इन्हें किस तरीके से अरेंज करना है उसके लिए यहाँ पर एक ये मैनुअल पेपर दिया हुआ है। इसमें से देखकर बच्चे इन लीगोज को अरेंज कर सकते हैं और अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। और गाइज नेक्स्ट आपको इसमें मिलेगा ये डोरेमोन वाला पजल जो बच्चों के लिए काफी एंगेजिंग और माइंड बूस्टिंग वाली एक्टिविटी है। और गाइज इस किट का लास्ट कंटेंट है ये डोरेमोन वाला पेंसिल बॉक्स। गाइज ये पेंसिल बॉक्स मेटल बॉडी में है और इसके बैक साइड में बच्चों के लिए ये अल्फाबेट्स और टेबल दिए गए हैं। इस पेंसिल बॉक्स में आपको कुछ इतना सफिशिएंट स्पेस जो है वो स्टेशनरी रखने के लिए मिल जाता है, तो ओवरऑल ये किट जो है ना गाइज वो ऑसम है। तो गाइज जल्दी से अभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इस डोरेमोन कलेक्शन आइटम्स में से आपको कौन सा आइटम सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।